चलो निकलते हैं। अंश क्या हुआ? वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। क्या गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही? जाएंगे कैसे? बच्चे को इतनी दूर पैदल लेके जाएंगे क्या? मंदिर बहुत दूर है। नहीं नहीं, शाम होने वाली है। ऐसा करते हैं कि हम लोग घर वापस चलते हैं। हाँ, ये बात सही है। क्या सही है? घर जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट तो होनी चाहिए। जी मुसीबत है, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। अब एक काम करते हैं, आधा किलोमीटर दूर एक बस स्टेशन, वहाँ चलते हैं, शायद कोई टैक्सी या बस मिल जाए। अंश प्राइम निकाल लो। जी मुझे बड़ी अजीब सी घबराहट हो रही है। तुम बेकार में चिंता कर रही हो मधुश्री, जंगल है, जंगलों में जानवरों का होना बहुत नॉर्मल है। और उस बिल्ली का क्या? कैसे घूर रही थी, मुन्ना को देखा नहीं था आपने? क्या हो भाभी? कोई है वहां पर? कोई देख रहा है हमें वहां पेड़ के पीछे से? पर कोई नहीं है वहां भाभी। कोई नहीं है यहाँ? अरे मैं कह रही हूँ, मैंने उसके चलने की आहट सुनी, मैंने देखा किसी को। माँ वहाँ कोई नहीं है। मैंने देखा था। चल चुप चुप बोलो। मैंने कहा था ना, मैंने देखा था किसी को। ये क्या बला है? यहाँ पे खड़े रहना, मुझे मेरा काम करने दो। यार तो हम कहाँ तुमको रोक रहे हैं, लेकिन करना क्या है ये तो बताओ। ये मोहना के बाल है। इसका हम क्या करें? शैम्पू? नहीं इडियट, इन बालों को मैं डायन वृक्ष की जड़ों से कनेक्ट कर दूंगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि मोहना ने डायन रहस्य के पेज में क्या पढ़ा था। वो कुछ पता चला? हाँ,
मुझे पता चल गया है कि उस राक्षस से कैसे डील करना है। कैसे? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर वो था क्या? यक्षवंजीवी। यक्षवंजीवी दिखने में बिल्कुल पेड़ जैसे होते हैं। इसका मतलब ये भी बुरी शक्तियां होती हैं? बुरी भी और अच्छी भी, लेकिन जो बच्चे को लेने आई थी वो बुरी थी। बुरी ही होगी ना, इसीलिए तो मुन्ना को छीनने की कोशिश कर रही थी हमसे। मुझे तो पहले से ही कुछ बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, पहले वो बिल्ली, फिर वो चमगादड़, और अब ये। पक्का ये मोहना का ही काम होगा, उसी की हमारी मुन्ना पे बुरी नजर है। सिर्फ मोहना की नहीं, हर बुरी ताकत की हमारे मुन्ने पर बुरी नजर है। लेकिन क्यों निशान जी, भला इस नन्ही सी जान की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? हमारे मुन्ने के पास शक्तियां हैं मिश्री जी, और वो बुरी ताकतें ही अच्छी तरह जानती हैं। हमें लग रहा था कि हमारे मुन्ने को सिर्फ मोहना से खतरा है, लेकिन हम गलत थे। मुन्ने को हर उस बुरी ताकत से खतरा है जिसे मुन्ने की इन शक्तियों से खतरा है। इससे तो हमारा मुन्ना एक नॉर्मल बच्चे की जिंदगी जी ही नहीं पाएगा। हाँ, अभी तो हम हर वक्त मुन्ना के साथ होते हैं, लेकिन कल को वो स्कूल जाना चालू करेगा तब? इसका कोई तो हल होगा निशान जी, बच्चे की सुरक्षा कैसे करेंगे? जब तक मुन्ने के पास ये शक्तियां हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि अगर हमें मुन्ना को उन बुरी ताकतों से बचाना है तो हमें इसकी शक्तियां छीननी होंगी। लेकिन बाबा, मुन्ने की शक्तियां ही तो है जो इसे हर मुसीबतों से बचा रही है। यहां तक कि आज मुन्ने ने खुद अपने आप को यक्षवंजीवी से बचाया, और यही नहीं, मोहना से, मृतकियों से, सबसे इसने अपनी रक्षा खुद की है। और आप कह रहे हैं हमें मुन्ने की शक्तियां छीन लेनी चाहिए? प्लीज मेरी बात समझो कोरिया, उन शक्तियों की वजह से ही हमारे मुन्ने पर मुसीबतें आ रही हैं। जब शक्तियां ही नहीं होंगी, मुसीबत भी नहीं आएगी। लेकिन बाबा, शक्तियां होंगी तो मुन्ना उन मुसीबतों से अपने आप ही निपट लेगा। पापा सही कह रहे हैं भैया। सारे प्रॉब्लम्स की जड़ मुन्ने की शक्तियां है। अगर शक्तियां ही नहीं रहेगी तो मुन्ना नॉर्मल बच्चे की तरह नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। अच्छा, तुम्हें भी लगता है कि हमें मुन्ने से उसकी शक्तियां छीन लेनी चाहिए? तुमने देखा ना कैसे हर बार मुन्ने ने अपने आप को बचाया है, फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो? हाँ, फिर भी मैं यही कह रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि मुन्ना हर बुरी ताकत का सामना कर पाए, कल को अगर खतरा और भी बड़ा हुआ तो? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भी खतरा इतना बड़ा हो सकता है जिसका हमारा मुन्ना सामना ना कर पाए। और फिर तुम ही सोचो अंश, अगर हमने उसकी शक्तियां छीन ली और उसके बाद किसी ने उस पर हमला किया तो क्या होगा? फिर ना हम उसे बचा पाएंगे और ना वो खुद को बचा पाएगा। लेकिन पिया, ऐसा होगा ही नहीं ना। अगर मुन्ने के पास उसकी शक्तियां नहीं होंगी तो वो किसी और के लिए खतरा नहीं बनेगा, और फिर उस पर भी कोई खतरा नहीं होगा ना पिया। और तुम क्या चाहती हो पिया, कि तुम्हारे और अंश की तरह मुन्ना भी जिंदगी भर खतरों से जूझता रहे? पिया, हमने तो जैसे तैसे सारी मुश्किलें झेल ली, लेकिन तुम इस नन्ही सी जान को कैसी जिंदगी देना चाहती हो? ऐसी जिंदगी के हर पल ये डर बना रहे कि पता नहीं कब कहां से कौन सा दुश्मन वार कर दे। मिश्री जी बिल्कुल सही कह रही हैं गुड़िया, ये शक्तियां हमारे मुन्ने के लिए एक वरदान नहीं, श्राप है। नहीं बाबा, ये शक्तियां श्राप नहीं है, और मुन्ना एक रीवावंशी भी तो है, और आप ही कहते हैं रीवावंशी डर और खतरे से कभी नहीं भागते। मुन्ने को ये शक्तियां चाहिए या नहीं, ये फैसला तो मुन्ने का होना चाहिए ना। अंश, हम ये फैसला लेकर मुन्ने के साथ बहुत गलत करेंगे, प्लीज एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। क्या तुम नहीं चाहते हमारा मुन्ना स्पेशल हो? हमारा मुन्ना स्पेशल है भैया, शक्तियों के बिना भी ये हमारे लिए उतना ही स्पेशल होगा।
जितना है अब है, मैं अपना एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ भैया, कभी भी एक नॉर्मल बच्चे की लाइफ नहीं जी पाए, इसका अफसोस मुझे आज भी है। और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी मेरी तरह हर वक्त डर के साए में रहे। अंश, हमारे मुन्ने का जन्म ही बुरी ताकतों का अंत करने के लिए हुआ है, और तुम चाहते हो हम उसे उसका फर्ज निभाने से रुके। भैया, मैं बस उसे नॉर्मल जिंदगी देना चाहता हूँ। तुम खुद सोचो, अगर इसकी शक्तियाँ देख कर इसके साथ वाले बच्चे डर गए तो हमारा मुन्ना अकेला पड़ जाएगा, इसका कोई दोस्त नहीं बनेगा। मैं जानता हूँ कितने साल मैंने कन्फ्यूजन में निकाल दी कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ, मेरे अंदर ये शक्तियाँ क्यों हैं और इनका मतलब क्या है। नहीं भैया, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी ऐसे सिचुएशन से गुजरे। अंश बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें निशान जी की बात मान लेनी चाहिए। पिया, अंश सही कह रहा है। बात को समझने की कोशिश करो पिया। लेकिन आप ये करेंगे कैसे बाबा? मुन्ने की शक्तियां कोई खिलौना तो है नहीं कि बस हाथ से छीन लिया और होगा। उसकी फिक्र तुम मत करो बेटा, मेरे पास एक तरीका है।